अब देखते हैं बेटा आज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच अपोजेस फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हमें मालूम है कि लिक्विड जो है लेयर्स के रूप में मूव करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। विस्कस फोर्स जो होती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होती है। This viscous force opposes motion of liquid. जैसे ये लिक्विड की लेयर्स हैं, ये हमारी लिक्विड की लेयर्स हैं, सबसे नीचे वाली लेयर जो होगी वो स्लोएस्ट होगी, सबसे धीरे चल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगी वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, एडहेसिव फोर्स के कारण सबसे धीरे चल रही होगी। ये फोर्स ऊपर धीरे धीरे करके ट्रांसफ़र होगी और सबसे ऊपर वाली लेयर फास्टेस्ट होगी। आपने एक बात सुनी होगी, डीप वाटर रन्स काम, जो गहरा पानी होता है वो धीरे चलता है, और जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो जो है वो सबसे ज़्यादा तेज चल रही होगी। विस्कस फोर्स इज सेम लाइक सॉलिड फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड्स। विस्कस फोर्स कम्स इंटू एक्शन व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड एंड विस्कस फोर्स अपोजेस दिस रिलेटिव मोशन। तो विस्कस फोर्स जो है मोशन को रोकेगी, लेयर्स के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको रोकेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट
एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स जो होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है, और विस्कस फोर्स जो होती है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब समझाते हैं। मान लो ये लेयर्स ऑफ लिक्विड है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी वी प्लस डेल वी, और इन दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो न्यूटन ने हमें बताया कि जो विस्कस फोर्स होती है, विस्कस फोर्स कितना लगेगी, पहली बात तो विस्कस फोर्स कितना लगेगी, ये लेयर्स चल रही हैं तो विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगी और इस लेयर्स को आगे जाने से रोकेगी, तो लिक्विड के फ्लो को रोकती है विस्कस फोर्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शन हो जाएगी ए डेल वी बाई डेल एक्स, कांस्टेंट लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस ईटा ए डेल वी अपॉन डेल एक्स। विस्कस फोर्स जो होती है वो एरिया पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, और ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट विस्कस फोर्स इज सच दैट इट अपोजेस रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट के अपोजिट होती है विस्कस फोर्स। अब हम यूनिट ऑफ ईटा निकालते हैं, यूनिट ऑफ ईटा एफ डेल एक्स अपॉन ए डेल वी, ये फार्मूला बन जाएगा ईटा का। तो एफ होता है न्यूटन, डेल एक्स होता है मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखें, इसको डेकापोइस कहते हैं, और सीजीएस यूनिट होगी आपकी डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पॉइस कहते हैं। तो डेकापोइस में और पॉइस में रिलेशन क्या होती है? वन डेका पॉइस इज इक्वल टू टेन पॉइस। वन डेका पॉइस किसके बराबर आ रहा है? टेन पॉइस के बराबर आ रहा है। कैसे वन डेका पॉइस टेन पॉइस के बराबर है? और डेका वर्ड इसलिए ही रखा गया है कि टेन आ रहा है इसमें। देखो कैसे, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको कर लो टेन की पावर फाइव डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो है डेकापोइस और ये है पॉइस, तो ये टेन की पावर फाइव और टेन की पावर फोर कैंसिल होके टेन पॉइस, तो वन डेकापोइस टेन पॉइस के बराबर आता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। A glass plate has area A glass plate of area 100 centimeter square is separated from another glass plate
विथ वाटर बिटवीन देम ऑफ थिकनेस 1 mm, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर हमें दे रखा है 0.01 पॉइस। कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव प्लेट विथ वेलोसिटी 10 cm/s। अब ध्यान रखें कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी हमको पॉइस में दे रखा है और पॉइस सीजीएस यूनिट होती है, तो हम एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, सीजीएस यूनिट है तो हम सीजीएस यूनिट में ही निकाल लेंगे। एफ का फार्मूला आता है ईटा ए डेल वी बाई डेल एक्स। आप कहेंगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, बेटा नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि अपोज करता है। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैं केवल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ईटा, ईटा की वैल्यू है 0.01, एरिया की वैल्यू है 100 cm², वेलोसिटी की वैल्यू है 10 cm/s और डिस्टेंस, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है 1 mm दे रखा है। 1 mm को 0.1 cm भी कहते हैं, तो 0.1 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, यानी 100 डाइन की फोर्स लगानी पड़ेगी इसको चलाने के लिए। तो फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है ईटा ए डी वी वाई डी एक्स, जिसमें डी वी वाई डी एक्स को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं और ईटा को कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले का सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब आता है पॉइज़लीज़ फॉर्मूला। पॉइज़लीज़ फॉर्मूला वेन अ लिक्विड फ्लो इन अ ट्यूब, वेन अ लिक्विड फ्लो इन अ ट्यूब देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड वॉल्यूम लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड को हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ग्रेडियंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, जिसे हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रेशर ग्रेडियंट के। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब, प्रेशर डिफरेंस है पी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम पर सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर की पावर 4 के, और वॉल्यूम पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनवर्स ऑफ लेंथ के। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का फार्मूला कांस्टेंट निकाल के आता है पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इस फॉर्मूले को हम पॉइज़लीज़ फार्मूला कहते हैं, पाई पी आर की पावर 4 एंड 8 ईटा एल। अब देखते हैं बेटा स्टोक्स लॉ क्या कहता है।
स्टोक्स लो। जैसे किसी पानी में एक बॉल को गिरा दिया जाए या लिक्विड में बॉल को गिरा दी जाए, तो बेटा इस पे तीन फोर्स लगेंगी। एक फोर्स तो लगेगी वेट, एक आप पहले से जानते हैं अपथ्रस्ट, और एक और फोर्स लगेगी जो इसके मोशन को लगेगी, उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स वेन अ स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड वेन अ स्फेरिकल बॉडी इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड देन विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन दिस बॉडी विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन दिस बॉडी दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कैसे बताया उसने? उसने कहा विस्कस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के। बड़ी बॉल के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी, ज़्यादा वेलोसिटी के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईटा के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शन हो गई ईटा आर वी के। कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आया 6 pi eta rv। तो एक बॉल पे लगने वाली फोर्स जो है वो ईटा पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है और वी पे डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ रेन ड्रॉप इज फॉलिंग रेन ड्रॉप इज फॉलिंग इन एयर विथ स्पीड 1 meter per second एंड रेडियस ऑफ ड्रॉप इज 1 mm। इफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 18 × 10⁻⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड फाइंड विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 pi eta rv। तो 6 × 3.14 इंटू ईटा 18 × 10⁵। ये मैंने CGS में रखा है तो रेडियस भी CGS में रखना पड़ेगा। रेडियस ऑफ ड्रॉप 0.1 है, इंटू वी वन है तो इसको वी को 100 कर दें। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी विस्कस फोर्स निकल आएगी। तो 18 × 3 = 54 या मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं इसे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? अराउंड 18 ये हो गया और अराउंड 18 ये हो गया, तो 18 × 18 = 324 आ जाएगा। तो लगभग 3.5 अंदाजे से बता रहा हूँ। 10⁻⁴, अब देखिए ये 10 है, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ये -5 है तो ये आ जाएगा -4 dy। तो इतनी विस्कस फोर्स लगेगी।